दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीपा वायरस के बारे में। दोस्तों नीपा वायरस एक डेडली वायरस है जो कि इंडिया में आ चुका है। अगर हम इंडिया में बात करें तो ये केरला को इन्फेक्ट कर चुका है और केरला में ही इसका आउटब्रेक आ चुका है। दोस्तों इस वायरस को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो है आउटब्रेक लेके आ चुका है और दोस्तों इसकी वजह से दो लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। दोस्तों अगर हम इस वायरस की बात करते हैं तो ये एक जूनोटिक वायरस है। ये एनिमल्स और ह्यूमन को दोनों को इन्फेक्ट कर देता है। इसका ओरिजिन है फूड बैट्स, यानी कि ये बैट से होता है। और बैट्स भी जैसे कि हमें पता है बहुत सारे टाइप्स के बैट्स होते हैं, तो उनमें से एक फ्रूट बैट भी होता है जिसकी वजह से ये जो आउटब्रेक है वो आया हुआ है। तो हाँ जी दोस्तों, फ्रूट बैट ही कल्प्रिट है इस इन्फेक्शन का क्योंकि इन्हीं के अंदर ये वायरस होता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी इलनेस की बात करें तो दोस्तों ऐसे भी देखा गया है कि इसके सिम्टम्स नहीं भी नजर आते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोस्तों अगर ये सिम्टम्स नहीं देखा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बॉडी में वायरस आ चुका है। दोस्तों ऐसे भी है कि इसके सिम्टम्स नजर भी आते हैं और वो काफी सीवियर भी होते हैं। दोस्तों अगर हम इसके इन्फेक्शन की बात करें और सिम्टम्स की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि 4 to 14 days में जो इसके सिम्टम्स हैं वो नजर आ जाते हैं इस वायरस के। और दोस्तों अगर हम थोड़े से इसके इनिशियल सिम्टम्स के देखें तो आपको फीवर होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, आपके जो मसल्स हैं वो पेन करने लगेंगी, आपको जो थ्रोट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों इसके सीवियर सिम्टम्स भी आपको नजर आ सकते हैं, जैसे कि आपकी ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थोड़ा और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि अगर आपको ये वाले सिम्टम्स नज़र आ जाएं तो आपको ड्रोसीनेस, सीजर्स, कोमा, ये सब हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम आपको नहीं लेके आने हैं और दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़े से इस वायरस को लेके अवेयर होंगे। तो हाँ जी दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस वायरस के बारे में, इसके ट्रांसमिशन के बारे में। दोस्तों अगर हम इस वायरस के बारे में बात करें कि ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, ये हम तक कैसे पहुंच पाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि सीधा जो बैट्स है वो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसका जो इनडायरेक्ट वेज है वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, वो कैसे कैसे हम तक वायरस पहुंचाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ लोग जो है ऐसे एरिया में रहते हैं कि वहाँ पे बैट्स ज्यादा होती हैं और वो उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कि हमें बैट से सीधा हमें ये वायरस मिल रहा है, उसके जो बॉडी फ्लूड्स हैं उससे भी हमें जो वायरस है हमारी बॉडी में आ सकता है। तो दोस्तों अगर हम दूसरा वे देखें हम तक कैसे पहुंचता है, तो दोस्तों ऐसे भी है कि ये जो वायरस है वो पिग्स को इन्फेक्ट करता है और अगर हम उन इन्फेक्टेड पिग्स के कॉन्टेक्ट में आते तो दोस्तों इस तरह से भी हमें हमारी बॉडी में ये वायरस आ जाता है। बाकी सारे वेज भी हैं, जैसे कि क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, अगर किसी बंदे को ये इन्फेक्शन हो गया तो आपको थोड़ा सा उसको उससे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड और उसको खांसी आती है या उसको जुकाम होता है तो तब भी आपको जो ये वायरस है वो आपकी बॉडी में आ जाता है। दोस्तों इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो वायरस है फूड और वाटर के कॉन्टेक्ट से आ जाता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो बैट्स हैं वो पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों पे हमें पता है फ्रूट्स भी हमारे रहते हैं जो कि हमारा भी खाना होता है। तो दोस्तों जब ये बैट्स ये फ्रूट्स खा लेते हैं और सपोज इनका जो छोटा जो फ्रूट है वो हम तक आ जाता है, क्योंकि दोस्तों काफी बार हम अपना इग्नोर कर देते हैं, वहां से कट करके हम वो फ्रूट खा जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, आपको बैट का झूठा खाना नहीं खाना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ जो नीपा वायरस है वो काफी खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका ट्रीटमेंट वो नहीं है हमारे पास, इसका जो वैक्सीन है वो हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास दवाइयाँ नहीं होगी, हमारे पास वैक्सीन नहीं होगी, तो हम अपनी बॉडी को कैसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को होता है, जैसे कि हमें हेडेक हो गया, हमें फीवर हो गया, सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, बाकी दोस्तों इसके लिए दवाइयाँ अभी तक नहीं बनी है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा प्रिवेंशन मेजर्स की जरूरत है कि आपको क्या करना होगा। दोस्तों अगर हम प्रिवेंशन मेजर्स की बात करें तो दोस्तों पिक से कॉन्टैक्ट नहीं रहना है, बैट से कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है, आपको अपनी जो हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको जैसे फ्रूट्स भी थोड़े से ऐसे अवॉइड करने पड़ेंगे जो कटे पिटे ना हो, जो झूठे ना हो बैट्स की। तो अगर हम यहाँ पे आउटब्रेक्स की बात करें तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इसने इंडिया को ही इन्फेक्ट किया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले जो ये वायरस आया था वो मलेशिया में आया था, वहीं से पता चला था कि ये भी कोई नीपा वायरस है और इससे ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है और ये डेडली डिजीज बन जाता है। उसके बाद दोस्तों सिंगापुर में भी देखा गया इसका इन्फेक्शन, इसका बांग्लादेश में भी देखा गया, फिलीपींस में भी देखा गया और दोस्तों इंडिया में भी देखा गया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में 4th आउटब्रेक है जो कि केरला में ही देखा गया है, और केरला में जो है अभी जो इसका आउटब्रेक चल रहा है कोरिकोड में चल रहा है और उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना भी चुके हैं। इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना बहुत ही जरूरी है जिससे कि इन्फेक्शन ये बाकी जगह फैल ना जाए, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार इसका इन्फेक्शन
फैल गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें कि इसको कैसे पता लगाया जाता है कि ये हमें निपा वायरस की इन्फेक्शन हो गया है, तो दोस्तों RT-PCR और ELISA टेस्ट से हम बता सकते हैं कि हमें इस वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों कंक्लूजन यह है कि ये जो वायरस है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है, हमें इससे बच के रहना पड़ेगा और बच के हम तभी रह सकते हैं जब हम इसकी प्रिवेंशन मेजर को जाने कि ये होता कैसे है और इससे बचना कैसे है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए नमस्कार।